अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉइल और मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा, और इससे हमें क्या मालूम पड़ा, जिस तरह से करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, ओके, इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो करंट बनेगा, और करंट से मैग्नेटिज्म बनेगा, तो उस तरह से साइंटिस्ट ने सोचा कि हम मैग्नेट को अगर हम मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम वेरी करेंगे, मूव कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेरी करेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी, इन दो साइंटिस्ट ने दिया था, और इसी वजह से ये चैप्टर का नाम क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट इन एन कॉइल। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कॉइल रेस्ट में था और मैग्नेट को मूव कर दिया। और एक हमने और एक चीज़ है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ही, उन्होंने और एक देखा, अगर मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को घुमाया, मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया और ये जो कॉइल है कॉइल को हाथ से ऐसा घुमाया, मतलब ऐसा पकड़ के, तब भी डिफ्लेक्शन देता है। ओके, समझ में आ रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है ये, कि पहले क्या किया उन्होंने, मैग्नेट को रोटेट किया, किसके अंदर, कॉइल के अंदर, तब उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट में रखा और ये जो कॉइल है कॉइल को पकड़ के उस जगह मैग्नेट के चारों तरफ घुमाया, आगे पीछे किया, तब देन ऑल्सो दे सॉ दैट देर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, देर इज़ ए करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को कौन सा कहते हैं, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमको क्या मिलता है, करंट इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, अभी हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट। कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने, अभी इधर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट लिया था, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ओके, ये बड़ा कॉइल लिया, दिस इज द कॉपर कॉइल, समझ में आ रहा है, इसके बीच में जगह है, और दूसरी इसमें क्या किया उन्होंने, छोटा कॉइल लिया, इसमें क्या किया, बैटरी लगाया, सेल लगा दिया, दिस दे हैव मेन नेम्ड सी वन, और इसको क्या किया, सी टू। करंट किस में फ्लो कर रहा है, बैटरी इसमें कर रहा है तो सी टू में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, सी टू में करंट फ्लो हो रहा है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल को, उसको इसके अंदर रोटेट किया, कॉइल के अंदर, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, मैग्नेट लिया था, बार मैग्नेट, मगर सेकंड एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट की जगह उन्होंने क्या कर दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉइल कैरिंग करंट ले लिया, ओके, कॉइल कैरिंग करंट, एंड दैट कॉइल इज मूव्ड इनसाइड द सी वन कॉइल, एक सी वन इज बिगर एंड सी टू इज स्मॉल। नाउ दे वर सरप्राइज्ड, जब सी टू कॉइल को मूव कर रहे हैं इसके अंदर, दे वर सरप्राइज्ड दैट इट इज शोइंग द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन दे रहा था एक डायरेक्शन में, और जब सी टू को बाहर निकाल लिया इस कॉइल के अंदर, जैसे ही बाहर निकाला तो पहले जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में दे रहा था, अभी गैल्वेनोमीटर किस डायरेक्शन में दे रहा है, राइट साइड में दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया। सो व्हाट दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल सी वन इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ सी टू। सी टू मोशन में है, इस वजह से क्या हो रहा है, सी वन में करंट फ्लो हो रहा है,
और जब उन्होंने देखा सी टू को भी मूव किया, ओके सी टू को कांस्टेंट पे रख दिया, रेस्ट पे रखा और एक कॉइल को मूव किया, तब भी सेम इफेक्ट उनको देखने को मिला। मतलब सी टू को करंट कैरिंग कॉइल है, इसको रेस्ट में रखा और ये जो बड़ा कॉइल है मीन्स दिस इज केप्ट एट रेस्ट एंड दिस इज मूव्ड इसके अंदर, तब भी उनको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिया। ओके फिर थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ओके इसको सिर्फ ले आके अंदर रख दिया, मूव नहीं किया। तब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। व्हेन द कॉइल इज हेल्ड एट रेस्ट दे ऑब्जर्व दैट देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या किया, सी टू को रेस्ट में रखा और एक कॉइल उसके पास अंदर रख दिया, तब भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। वॉट इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली इसका सी टू में करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सी टू कॉइल मीन्स व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सी टू इट इज जनरेटिंग द करंट एंड बिकॉज अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बिकॉज करंट इज कैर फ्लोइंग व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉपर कॉइल इंड्यूसेस द करंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये जो सी टू है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें सेकेंड कॉइल में सी टू में करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज बैटरी इधर कनेक्ट किया हुआ है, सेल कनेक्ट किया हुआ है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा है सी टू में। अब ये करंट जब फ्लो हो रहा है इसको हम मूव करते हैं, तो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जनरेटेड एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसमें रोटेट करने से क्या हो रहा है, देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो दिस प्रोसेस दे कंक्लूडेड दैट इट इज ए कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट एंड इन दिस कॉइल कॉइल एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैग्नेट वॉज मूव्ड इन साइड द कॉइल। अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन प्लेस ऑफ मैग्नेट दे हैव टेकन ए कॉइल एंड ए सेल, तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है सी टू में, सी वन में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सी टू में करंट फ्लो हो रहा है और इस कॉइल को फास्टली मूव किया किसके अंदर, फर्स्ट कॉइल में सी वन कॉइल में। सो दिस प्रोसेस हैज शोन दैट देर इज ए इंड्यूस इंडक्शन ऑफ करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर थिंग दे डिड दैट सी टू को फास्टली मूव नहीं किया, करंट फ्लो होने दिया इसके अंदर और ये कॉइल को सिर्फ अंदर रेस्ट में रख दिया। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल बट दैट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज केप्ट एट रेस्ट इनसाइड द C1 कॉइल, C1 कॉपर कॉइल, देन ऑल्सो दे सॉ दैट देर इज नो करंट फ्लोइंग इन टू दिस, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, ये जो C2 है करंट फ्लो हो रहा है मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद वो वेरी नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। सो इससे उनको और एक क्या मालूम हो गया कि चेंज नहीं हो रहा है मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ करंट। अब ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग दिस सी टू कॉइल। जब सी टू कॉइल को रोटेट नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। और जब ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो इट मीन्स दैट देर इज नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉपर कॉइल ऑफ C1। कॉपर कॉइल C1 में करंट इंड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, C2 को मूव करना पड़ेगा फास्टली। इसमें इन्होंने ये भी देखा कि इसको स्लोली मूव करते हैं तो दे सॉ दैट द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग स्लोली डिफ्लेक्शन। सिमिलरली इफ दे आर मूविंग दिस स्लोली एंड दे आर टेकिंग आउट दिस कॉपर कॉइल C2 स्लोली, दे सॉ दैट द गैल्वेनोमीटर इज गिविंग द डिफ्लेक्शन, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन बट स्लो डिफ्लेक्शन इट इज देयर। सो दिस C2 कॉइल C2
represents that current is induced in the coil, but this coil changing current will generate, no doubt it will generate the magnetic field, but there is no change in the magnetic field. So when the magnetic field is not changed, it means that no EMF is induced, no electromotive force is induced in the coil. और इस वजह से ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कॉइल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. ये भी अभी अपना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट सेकेंड कम्प्लीट हुआ है. ध्यान से देखो, अभी फिर से मैं और एक बार दोनों एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? 1830 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए और उनके दिमाग में ये आया कि जिस तरह से करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. तब उन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है. तब उन्होंने उल्टा तरह से सोचा, क्यों ना अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, तब करंट जनरेट होगा या नहीं. और इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया है. दे वर सरप्राइज टू सी दैट कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, तो करंट इंड्यूस होता है कॉपर कॉइल के अंदर. और ये दो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स हमने आज ख़त्म किए हैं. तो कल हम तीसरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो कॉइल एक्सपेरिमेंट, बट दैट इज़ डिफरेंट. ओके, एंड दैट देयर प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी इंडक्शन इट इज़ देयर. सो दैट हैज़ प्रूव्ड अस फॉर टुडेज जनरेटर एंड ऑल. ओके, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि बड़ा कॉइल लिया है और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा लिया है मैग्नेट इज हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेट को जोर से घुमाया. किसके अंदर? कॉइल वन के अंदर. सो जैसे ही मैग्नेट नॉर्थ पोल से अंदर गया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर इज गिविंग द डिफ्लेक्शन, और अंदर जाने के बाद साउथ पोल को बाहर निकाला मैग्नेट को. सो दे शो दैट देर इज ए डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज गिविंग द रिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. और उन्होंने देखा कि अगर इस मैग्नेट को जस्ट जितना फास्टली घुमाएंगे उतना फास्टली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा. और जैसे ही ये मैग्नेट को रेस्ट में रखा तो देर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. मैग्नेट को रेस्ट में रखा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं होता है. ये उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट था. तो उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक छोटा कॉइल लिया जिसके अंदर करंट फ्लो करने लगा. पहले इसमें डायरेक्ट मैग्नेट लिया, सेकंड इसमें क्या लिया, C2 कॉइल लिया जिसके अंदर करंट अप्लाई किया, सेल लगा दिया, तो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस. नाउ दिस करंट कैरिंग कॉइल इज अलाउड टू मूव इनसाइड दिस कॉइल. सो व्हेन इट इज मूविंग इट इज जनरेटिंग द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. जब डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और जब उसको बाहर लेकर आएंगे तो गैल्वेनोमीटर अभी कौन से डायरेक्शन में दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है. सो दिस अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जो है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट देर इज ए इंडक्शन ऑफ कॉइल, इंडक्शन ऑफ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या हो रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है. वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, इस कॉइल को हम घुमा रहे, जितना फास्टली हम घुमाएंगे उतना फास्टली करंट जनरेट होगा. अगर इस कॉइल को हमने घुमाया नहीं, रेस्ट में रख दिया, तो क्या देखा उन्होंने कि इसमें करंट जनरेट नहीं होता है. सो करंट जनरेट होने का एक ही तरीका है, वो क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ कैरिंग द करंट ऑफ ड्यू टू दिस कॉइल C2 इज़ अलाउड टू मूव वेरी फास्टली. जब फास्टली मूव करेंगे तभी वो करंट जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो ये कंप्लीट हुआ अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो कल हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट. ये ऑलरेडी इसके नोट्स मैंने PDF बना के भेज दिए हैं, तो ये 6th चैप्टर है, अब से स्टार्ट करो. ओके, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना है.